सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। पिछले हफ्ते आपने हम सभी को सुरक्षित रखा प्रभु, आपने हमें नई नई सवेरे नए नए दिन दिए प्रभु, आपने हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करके हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तमाम बहुत सारे चुनौती, बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रभु अप डाउन लाइफ में आई है, परंतु आपने हमारे प्रभु उद्धारकर्ता होकर प्रभु हमारे साथ रहकर प्रभु हर एक प्रभु समस्या को पार करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते। आज की सुबह आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें एकत्रित करके आपके नाम की बढ़ाई, आपके नाम की स्तुति आराधना करने के लिए हम सभी को सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जैसे वचन में लिखा है, जहाँ पर मेरे नाम से एक या दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उन्हीं के बीच में होता हूँ। हम विश्वास करते आप प्रभु हमारे जीवन में कार्य करके प्रभु यहाँ पे आने में मदद करते हैं, और प्रभु आप हमारी जरूरत को समझते हैं और हमें उसी प्रकार के आपकी स्वर्गीय मानना को देते हैं, वजन को देते हैं, अद्भुत करते, इसलिए धन्यवाद करते। जो प्रभु संसार में आम लोगों को देखते हैं पिता प्रभु, कई सारे लोग प्रभु आपको बिना जाने और प्रभु अनेक प्रकार प्रभु अन्याय और प्रभु असत्य मिथ्या झूठ और प्रभु अनेक प्रकार प्रभु चोरी डकैती कामों में प्रभु लिप्त रहते हैं पिता परमेश्वर। जब प्रभु आपके भवन में हम आते हैं, आपके वचन सुन के अपने जीवन में प्रभु प्रभु जब इकट्ठा करके रखते हैं वो वचन हमें प्रभु इन तमाम प्रभु बातों से प्रभु दूर रखती है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने हमारे बोलचाल में, हमारे सोच विचार में, हमें प्रभु आपके सामने विश्वास योग्यता होने में जो भी प्रभु प्रभु हमें रुकावट आई है, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। आपकी पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करे, उचित ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, हमें पापों से दूर रहने के लिए मदद करे, रोग बीमार संकट से रहने से दूर रहने के लिए मदद करे आप प्रभु। हमारे हर पल प्रभु हमारे साथ संग बना, हमें साथ देना, घाटस देना, हमें प्रभु और प्रभु उत्साहित करना आपके वचनों की तरह, ताकि प्रभु हम मजबूती से आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। जैसे कि आज के वचन में प्रभु हे पिता प्रभु, आज कैंसर सर्विस के दौरान प्रभु आपने हमें सिखाया कि जब प्रभु हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ मुसीबत या कोई भी ऐसे पहाड़ के समान कोई भी ऐसी बातें क्यों ना हो, जब आपके ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आखिरी सांस तक प्रभु, आखिरी उंगली तक प्रभु जी, जब हम विश्वास करते हैं आप हमारे जीवन में अद्भुत रूप से कार्य करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उस स्त्री के समान प्रभु लहू बहाकर प्रभु, लहू जब बहता है पिता परमेश्वर, इनका इंसान के शरीर में कोई भी प्रभु जीवित रहना, शक्ति पाना और प्रभु ताकतवर होना प्रभु नहीं हो पाता है प्रभु। शरीर में हमें जिस प्रकार की प्रभु खून रहने की जरूरत है, उस प्रकार आपके वचन प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु इकट्ठा होकर रहने पाए और वो हमें ताकत देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार हम छोटे से छोटे वचन या बड़े से बड़े वचन जो सब प्रभु संचय करके अपने जीवन में रखते हैं प्रभु, जब ऐसे कोई भी मुसीबत आते प्रभु आपके खरीद प्रभु विश्वास के साथ आके प्रभु उस स्त्री के समान जब कपड़ा चुने लगे, उसी प्रकार आपके जीवन से प्रभु आपके करीब आकर प्रभु अपने विश्वास को प्रभु जगाने में हमें अनुग्रह करे। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन पिता अनेक लोग आए हैं जो नए लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता आज प्रभु होने दे, उनके जीवन में प्रभु एक ऐसे बीज बोया जाए और प्रभु उस बीज को प्रभु उनके जीवन में कार्य किया जाए और पवित्र आत्मा उन्हें प्रभु प्रेरित करे, अगुवाई दे, ताकि वो लोग सच्चाई को जाने और आपके मार्ग में आए और प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर सके और प्रभु अपने जीवन को प्रभु एक धार्मिक नम्रता दीनता सहिष्णुता इन तमाम प्रभु जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु लोग अनेक लोग प्रभु एक मसीहत जीवन देखने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, इसलिए प्रार्थना करते हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हमारे कलिसिया में और भी लोग प्रभु आज का प्रभु मौसम में प्रभु देख रहे पिता हे प्रभु, बाढ़ के जो बाढ़ की वजह से पिता बहुत सारे लोग प्रभु बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग अपने को खो दिए हैं, बहुत सारे जरूरी सामान को प्रभु उनका नष्ट हो गया है, ओ प्रभु आपको आपकी स्वर्ग मान देकर जैसे तृप्त करते हैं आप प्रभु, उनको मदद करना, साहस देना, उन समय पर प्रभु उनके लिए उपाय करना मेरे पिता यीशु मसीह।
मसीह। प्रार्थना करते हैं इन दिनों में और प्रभु मौसम की वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, बहुत सारी बीमारी प्रभु फैल रहा है पिता परमेश्वर हमारे आस पास में, हमारे घरों में। हमें प्रभु आपकी उन तमाम विपरीत वातावरण से प्रभु और प्रभु सही से रहने के लिए हमें मदद कर पिता परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हुए बच्चे जितने भी प्रभु आज प्रभु वचन सुनाए हैं और प्रभु आपकी महिमा की प्रभु इनके जीवन में जो बोया जाता है प्रभु इन तमाम वचनों को प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी महिमा देखने लायक प्रभु कार्य करे पिता परमेश्वर। सभी को अच्छे स्वास्थ्य दे, सभी को प्रभु अच्छे प्रभु कारोबार में आशीष दे, सभी के प्रभु घर परिवार में प्रभु चारों कोने चारों दीवारों में आने जाने बाहर अंदर हर बात में प्रभु आपकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन चाहते परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता बातचीत करते रहना और प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु शैतान से किसी प्रकार की लालच, किसी प्रकार के प्रभु और प्रभु अनोनी के कार्यों को आने आने मत देना। यहाँ पे बैठे हुए सभी को आशीष देना। प्रार्थना करते साथ और मैं को और प्रभु संस्था को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते उनके परिवार को आपके हाथों में देते पिता। आप प्रभु आपकी स्वर्गीय शक्ति और अद्भुत पवित्रात्मक शक्ति द्वारा सब प्रभु संचालित करना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।